अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोग के? ना सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और बाल भी अगर बना चुके होंगे। और मैंने आपको कहा था कि हम शादी में मेरे भाई की बेटी की शादी है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, तो उसके व्लॉग हम आपको दे रहे हैं। और मेहंदी का माइयों का व्लॉग तो मैं आपको दे चुकी हूँ, शादी की प्रिपरेशन का भी व्लॉग दिया था, अब ये शादी का व्लॉग है। इसमें रुख्सती है, वलीमा का निकाह तो पहले ही हो चुका है, तो बस अभी हम चलते हैं। राह हमारे साथ साथ चलिए और ये ना आप लोग सब घर अपने घरों में खुश होंगे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे अपने घर में। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, रोज़े पढ़ें, नफिल पढ़ें, तो जितना हम रोज़ पढ़ें उतना ही कम है। यकीनन आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और ठीक है, नौमान साहब हैं जो पूछ रहे हैं किस हॉल में जाना है, अभी हम निकलते हैं, बस फिर आप भी हमारे साथ आइए और एंजॉय करिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अब आ चुके हैं हॉल के अंदर। कैस्पिया बैंक्वेट है ये और बहुत अच्छा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सजाया हुआ है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है इसकी। तो हम लड़की वालों की तरफ से थे तो हमारे अब ये देखें, आप देख सकते हैं खाना भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाना भी बहुत मज़े का था। बहुत सारी उन्होंने डिशेस रखी हुई थी, बहुत वैरायटी थी, मीठे में भी सालन, बिरयानी, काफ़ी सारी चीज़ें थी, कोरमा वगैरह, और ये आप सलाद बार भी देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा खाना था, वॉन्ग टोंग्स देखें और फिश भी थी और प्रॉन्स भी थे, वो मैं ले नहीं सकी तो मैं बता रही हूँ आपको। और यहाँ पे अब हमें देखेंगे, हाँ मेरी मैं खाना निकाल रही हूँ और क्योंकि भूख लग रही थी, जब तक हम पहुँचे थे तो खाने का टाइम हो गया था क्योंकि हम लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा रश था। सो ये हम लोगों ने निकाला था अपने लिए कुछ खाने के लिए और हमने यहाँ पे खाना खाए थे। और आई होप आप लोगों को अभी तक का ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब मैं यहाँ पे दुल्हन से स्टेज पे मिलने के लिए आई थी क्योंकि मुझे उनसे मिलना था, ज़ाहिर सी बात है आज उनकी शादी थी। तो वो मेरे भाई की बेटी हैं और माशाल्लाह से बहुत हसीन भी लग रही थी और दूल्हे भी बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है। तो हम लोग उनके पास आए थे, दूल्हे की सलामी भी हमें देनी थी और मैं मुलाकात भी मुझे करनी थी, तो बस वो मैंने मुलाकात की। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सलामी भी दी और जो भी गिफ्ट वगैरह देना था वो दिया और थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी ले ली। यहाँ पे आपको नुमान देखेंगे। अब हम लोग रुखसती की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे बस रुखसती की तैयारी हो रही थी बिकॉज 10 बज चुके थे और उन लोगों ने लाइटें बंद कर दी थी, तो अब हमें रुखसती करनी थी। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे अब आगे जाके होगी। You can't, you can't, you can't.
यहाँ पे मैंने म्यूज़िक थोड़ा मतलब म्यूज़िक बंद कर दिया है बिकॉज़ क्योंकि रुखसती हो रही थी, कुरान सर पे था, तो कुरान के वक्त मैं म्यूज़िक ऐसे डाल नहीं सकती थी। तो अल्लाह इसको खुश रखे, आप लोग भी दुआएं दीजिएगा इनको नीचे। तो बस और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा अभी तक का। तो बस ये मेरी बेटी है, बाकी अब रुखसती हो रही थी और वो जा रही थी। बस व्यूअर्स, अब हम घर वापस आ चुके हैं और ये एक मतलब कहना चाहिए मेरे भतीजे की शादी थी, तो दुल्हन को हमने विदा कर दिया और 10:30 बजे उन्होंने सारी लाइटें वाइटें भी बंद कर, बल्कि 10 बजे ही बंद कर दी थी, लेकिन थोड़ी बहुत कर रही थी, थोड़ी बहुत लाइटें जल रही थी, तो हम उन्होंने उसमें ही उसको विदा किया और तकरीबन फिर हम वापस आ गए। और अच्छी रही शादी, आपको व्लॉग भी देख के पता चल जाएगा। और हमें बस ये है कि काफ़ी देर हो गई अब तो आए, मतलब आकर भी थोड़ा सा टाइम हो गया, आप हमें अपने गाँव में जरूर याद रखिएगा, इस महीने में ज़रूर हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। और बस ये है कि हमारे चीज़ों को लाइक करें और चैनल को ख़ास तौर पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।